हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 6 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पे हम लोग इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर है जो कि कवर करते हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले द हिंदू, उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, ये सारे न्यूज़ में से जो जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोग 40 से 45 मिनट के सेशन में कवर करते हैं, ताकि आपकी जो डे बाय डे नॉलेज है वो इंप्रूव होती रहे, और साथ में आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपका छूटे ना, है ना, आप 100% अटैम्प्ट कर सकें। उसमें से 80-90% आपको क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे जो कि हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। जो जो बातें मैं आपको बताता हूँ, ये अपने आप ही क्वेश्चन ही होते हैं, उसके आंसर ये जो कि इन चीज़ों के अंदर छुपे हुए होते हैं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जाम एक सेपरेट पार्ट है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप लाइफ में क्या सीखते हैं, आपकी डे टू डे लर्निंग क्या होती है, आप अपनी जो चीज़ें सीखते हैं उससे आप अपनी लाइफ में कितना इंप्रोवाइज कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ सीखते होंगे सेशन से, जो कि अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करते होंगे, है ना। चलिए, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू ए गुड ह्यूमन बींग। चलो तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आज 27th of April है, और आज के हमेशा की तरह हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये सारे आपके एग्जाम हैं, इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सेशन जो है वो रेगुलर देखना चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन मैंने लगाना भूल गया। मैं सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे, सारे के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ, एक फन फैक्ट, 5 वोकैबुलरी द हिंदू के, और लास्ट में जाने से पहले कुछ क्वेश्चन है जो कि देता हुआ जाऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। देखिए गाइज, आज और कल दो ही दिन बचे हैं, आप लोगों को 20% ऑफ है जो कि अनअकैडमी के ऊपर मिल रहा है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के ऊपर। तो 27 और 28 आज और कल, ठीक है, आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं BHU10, डायरेक्टली आपको 20% ऑफ, और जो भी इसके अलावा आपके जो कॉइन्स है जो कि आपको क्लासेस में मिलते हैं वो सब आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, रेफरल कोड लगाना है BHU10 या Bhuvnesh10। आप किसी भी एग्जाम में जो है, UPSC अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, PCS ले रहे हो, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, कोई भी, तो आपको यहाँ पे मदद मिल जाएगी। आपको यहाँ पे ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको गोल सेलेक्ट करना है, 40+ एग्जाम जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस में जा सकते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ, और नीचे की तरफ आपसे पूछेगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं BHU10, आपको डायरेक्टली 20% प्राइसेस जो है वो सबकी रिड्यूस हो जाएगी आज और कल, ये दो दिन का ऑफर है, ठीक है। साथ में ये SSC के अंदर एक फाउंडेशन बैच है जो कि चल रहा है, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट GS पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपको कोई फ्रेंड जॉब करता है, ठीक है गाइज, ठीक है, तो यहाँ पे smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन है जो कि ले सकते हैं 500 rupees पर मंथ, और एक बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। चलिए, आज के कोट ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं। फैक्ट ऑफ लाइफ, इफ एवरीवन इज हैप्पी विथ यू देन श्योरली यू हैव मेड मेनी कॉम्प्रोमाइजेज इन योर लाइफ। देखो, कभी भी जिंदगी में ऐसा पॉसिबल नहीं कि सभी लोग आपसे बहुत खुश रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह पे, बहुत फ्रंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। गांधी जी भी ये बात बोला करते थे कि अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो यकीन मानिए सबसे पहले डाउनफॉल आप ही का होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ यू आर हैप्पी विद एवरीवन श्योरली यू हैव इग्नोर्ड मेनी फॉल्ट्स ऑफ अदर। और अगर आपने दूसरों, अगर आप इसका उल्टा कर दो, अगर आप लोगों से बहुत सबसे अगर हैप्पी रहते हो, इसका मतलब आपने लोगों की बहुत सारी गलतियां हैं जिसको इग्नोर किया है, ओके। तो आई गेस सेकंड वाली जो स्ट्रेटेजी है वो लाइफ में ज्यादा बेटर होती है। लोग गलतियां करते हैं, इस कम्प्लीटली ओके टू मेड मिस्टेक, टू मेक मिस्टेक, लेकिन क्या आप उन गलतियों को लेके पकड़े रहते हो, इग्नोर करके आगे बढ़ते हो लाइफ के अंदर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप दूसरों की गलतियां इग्नोर करोगे तो यकीन मानिए आप ज्यादा खुश रहोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप लोगों की बातों को पकड़ो, क्रीपिंग करो, कंप्लेन करो, क्रिटिसिज्म बार बार करते रहो, उनके साथ लड़ते झगड़ते रहो, इससे बेटर है, ठीक है, विटनेस करो उसको, अपनी मिस्टेक बताओ और मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों से खुश रहने की कोशिश करोगे, रेदर कि आप सभी को खुश करने की कोशिश करो, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारा द हिंदू का फ्रंट पेज, यहाँ पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दो राज्यों को जो है वो अल्टीमेटम दे दिया है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ऐसे धर्म संसद और इस टाइप के इवेंट्स हो रहे थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनल हेट्रेड के कमेंट्स होना, है ना, ओपनली, मतलब ओपनली बातें हो रही थी, तो उनको यहाँ पे नोटिस थमा दिया गया। इसके बारे में बात करेंगे, ऐसा क्यों हुआ है। छोटे बच्चे जो है 5 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे, उनके लिए भी वैक्सीन आ चुकी है, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे यूक्रेन क्राइसिस है, यहाँ पे
जो यूपी के सीएम ने मिनिस्टर्स को बोला है कि भैया अपने अपने जो एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर करो, कितने पैसे छुपा रखे हैं, कहाँ पे कितने है ना, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। बात बहुत अच्छी है, लेकिन आपको मालूम ही है एमपी एमएलए जो है ये बताते नहीं है, है ना, इनके सारे इलीगल एसेट ज्यादा होते हैं। नया आईटी लॉ जो है वो इस मेक तक है जो कि ड्राफ्ट हो सकता है, जब आएगा जब देखेंगे क्या क्या इसके अंदर चेंजेस है, है ना। यहाँ पे गुजरात के जो इंडिपेंडेंट एमएलए इनको 5 दिन की पुलिस कस्टडी में आसाम में रख दिया गया। 13,000 कॉल है जो कि फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे आए थे, डिस्ट्रेस कॉल जो कि परेशान लोगों की जो है ना हेल्पलाइन नंबर सरकार के द्वारा दिया गया था उस टाइम पे। दिल्ली और पंजाब ने की पुलिस ने जो है एक दूसरे के साथ में डील करी है जिसका नाम है लर्न एंड शेयर, आपस में लर्न करो, चीजों को शेयर करो, ताकि दोनों पंजाब और दिल्ली की पुलिस आपस में कॉपरेट करके अच्छा काम कर सके। चलिए तो सबसे पहली जो यहाँ पे न्यूज है वो है छोटे बच्चों को लेकर। आप सभी को मालूम ही है कि पहले तो 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन था, अभी छोटे बच्चों को भी आ चुका है। कुछ फ्रेश कोविड के केसेस कंट्री में देखने को मिले तो डीसीजीआई ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ठीक है, 2 एंटी कोविड की वैक्सीन है, कितने 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए, समझ गए मेरी बात। और कई सारे स्टेट के अंदर अभी थोड़े बहुत केसेस जो है वो बढ़ते हुए भी नजर आए। एक तो है बायोलॉजिकल ई कंपनी की कॉर्बेवैक्स, है ना, ये आपके 5 से 12 साल तक के लिए। एक भारत बायोटेक की है कोवैक्स, कोवैक्सीन जो है उसको भी अप्रूवल मिल चुका है कि ये लोग 6 से 12 साल, और ये वाली जो है आपकी बायोलॉजिकल ई की ये 5 से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए काम में ली जा सकती है। ठीक है गाइज, ये बात आपको दोनों ध्यान रखनी है, 2 वैक्सीन आ चुकी है। अभी तक टोटल बात करें तो आप 18 से लेकर 44 ईयर तक के लोगों को नियर बाय 107 करोड़ को जो है वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा 45 से 60-40 करोड़ के आसपास है, है ना, 60 साल से ऊपर जो है ये 25 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। मतलब इसमें डबल डोज, एक एक सिंगल वैक्सीन की बात हो रही है, डबल डोज भी लगी हुई है इसमें से बहुतों को, है ना। और मतलब आप ये मान सकते हो 50-55 करोड़ के आसपास है अगर पॉपुलेशन की बात करें इसके अंदर। वैसे 15 से 17 साल के अंदर भी जो है वो 99, ठीक है, मिलियन यानी कि 9 करोड़ के आसपास बच्चों को लग चुकी है। तो इस तरीके से बताया गया है, तो ये 2 वैक्सीन का नाम है। आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को जो है वो 2 BJP ruled states यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल को एक करेक्टिव मेजर्स जो है वो अपनाने के लिए बोला है अगेंस्ट द कम्युनियल हेट जो कि इनकी धर्म संसद में इवेंट में वहां पे कई जगह देखे। दोनों चीफ सेक्रेटरीज जो है उनको लायबल माना जाएगा अगर इस तरीके का कोई और इवेंट है जो कि होता है। तो आपको मालूम है पिछले कुछ टाइम पहले हुआ था जहां पे बहुत ज्यादा रिलीजन कम्युनिटी को लेकर हेट्रेड, ये बातें जो कि इस तरीके के आज के 21st century में मतलब किसी को भी नहीं करनी चाहिए। मतलब यार ऑब्वियस, मतलब जहां पे हम लोग डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में जरूरी है, हैप्पीनेस, है ना, इन चीज़ों के बारे में प्रमोट करना चाहिए, वहां पे हम लोग वापस पता नहीं कहां 500 साल पीछे जा रहे हैं। तो कपिल जो एडवोकेट है कपिल सिंबल, उन्होंने अभी वापस से उत्तराखंड के अंदर वेडनेसडे को रुड़की के अंदर एक शेड्यूल था इवेंट, तो उसको बोला कि वापस से शेड्यूल कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए बोला कि आप करवा रहे हो तो करवा लो, लेकिन मेक श्योर कि इस तरीके का कोई वहां पे कम्युनल हेट्रेड की स्पीचेस है जो कि नहीं हो। ओके, तो ये पूरा का पूरा आया है। अभी देखते हैं कि अभी आज ये कल के अंदर ये वापस से होगी, ऐसे इवेंट होंगे यहाँ पे, तो उसके बाद में क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। आगे बात करते हैं पेज नंबर 9, यहाँ पे जो है वो है फ्रांस के इलेक्शन को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, पता चल गया होगा कि मैक्रोन जो है वहाँ पे वापस से इलेक्शन रीइलेक्ट हो चुके हैं सेकेंड टर्म के लिए एज ए फ्रेंच प्रेसिडेंट, लेकिन उनका जो वोट शेयर है वो इंक्रीज नहीं हुआ। हालांकि जो यहाँ पे इनकी जो ओपोनेंट थी मरीन, उनका वोट शेयर जो है वो कंट्री के कई जगह पे जो है वो इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे एक नई डिबेट छिड़ी है जो कि है क्या धीरे धीरे फार राइट लोगों का जो वोट शेयर है वो बढ़ रहा है क्या। फार राइट लोग किनको डिफाइन किया गया, देखो ये पूरा आर्टिकल इज, दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट कि यूरोप के अंदर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, किसको धीरे धीरे जो है वो वहां पे वोट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइज ऑफ द फार राइट इन यूरोप। अब ये फार राइट एक्चुअली में क्या है, देखो ये फार राइट जो है ये ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है यूरोप के अंदर जो हमेशा से ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ रहती है, जो हमेशा से माइग्रेशन के खिलाफ रहती है, मल्टीकल्चर जो होता है ना, मल्टीकल्चरिज्म, उसके खिलाफ रहती है, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ये फायर राइट वाले हमेशा प्रमोट करते हैं अपनी आइडियोलॉजी के अंदर, है ना। अब ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि ये वाली पार्टी थी मरीन की,
ये भी फार राइट पार्टी थी। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का जो शेयर है वो यूरोप के बहुत सारे देशों में थोड़ा थोड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ये एक चिंता की बात है यूरोप के लिए और पूरी दुनिया के लिए। हमारे लिए अच्छी बात है कि मैक्रोन जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट है जो कि जीत गए, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेशन फ्रांस के साथ में चलते आते हैं, और पिछले 5 सालों के अंदर अगर हम देखें तो हमारे दोनों देशों के बीच में कोई ज़्यादा कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। हम लोग अपने आप फ्लॉलेस बिजनेस कर रहे हैं, राफेल से लेकर सब चीज़ों से लेकर जो डील है वो हमारी ठीक ठाक है जो कि रही है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक और बड़ी बात इस बार फ्रांस के इलेक्शन में क्या हुआ कि सबसे कम जो है वो वोट है जो कि लोगों ने जानबूझ के डाले हैं। मतलब लोगों अगर जनता की बात करें तो दोनों ही पार्टी से जनता वहां पे खुश नहीं है। 1969 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि 72% वोट शेयर है, वोटिंग परसेंटेज है जो कि फ्रांस में देखने को मिला है। ओके, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इनवैलिड वोटर है जो कि करार दिया है ताकि अपना एंगर है जो कि दिखा सके, है ना। क्योंकि आप जैसे हमारे यहाँ पे नाटो नहीं है क्या, नोटा, तो हमारे यहाँ पे नोटा क्या करता है, यही तो दिखाता है कि ऊपर वाले सारे ऑप्शन से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो नोटा से ऐसा नहीं होता कि अगर नोटा को ज्यादा परसेंटेज मिल गए तो नोटा जीत जाएगा या कोई भी एमएलए बन जाएगा, वहां पे एमएलए बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। नोटा को अगर मैक्सिमम परसेंटेज मिल भी जाए तो सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला लीडर है उसी को विनर घोषित किया जाता है। लेकिन नोटा को अगर ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो ये दिखाता है कि आपके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए ना, उनसे कोई भी जो है वहाँ की जनता खुश नहीं है, तो अगली बार उनको वापस से टिकट नहीं मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो ये यूरोप के अंदर जो मैरिन है इनका वोट शेयर जो इंक्रीज हुआ है कई सारे डिपार्टमेंट में वो यहाँ पे बताया गया है। और आप देखिए बाकी कंट्रीज के अंदर भी फार राइट के कैसे कैसे यहाँ पे बढ़ रहे हैं वोटिंग परसेंटेज, हंगरी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 13। यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और नेटफ्लिक्स के बीच में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और नेटफ्लिक्स ने जो क्या किया है, दोनों ने जो है एक पार्टनरशिप करी है कि वो 2-2 मिनट की शॉर्ट फिल्म से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट 75 साल जो इंडिपेंडेंस के हो चुके हैं ना, वो नेटफ्लिक्स को पे दिखाने वाले हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट और नेटफ्लिक्स ने एक पार्टनरशिप करी है 2 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जो कि 7 वुमेन चेंज मेकर्स है, उनका है ना आजादी के अमृत महोत्सव कहानियां उसको लेकर डाली है, और भी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर और जो हमारे जो काम हुए हैं 75 सालों में उनके ऊपर दिखाया जाएगा। तो 25 शॉर्ट फिल्म कई सारे टॉपिक्स के ऊपर बनाई जाएगी, और ठीक है इसके अलावा 75 फिल्म है जो कि प्रोड्यूस करी जाएगी जिसके अंदर इन्वायरमेंट होगी, इसके अलावा और भी डिफरेंट जैसे कि फर्स्ट वुमेन टू सबमिट माउंट एवरेस्ट 2 in 5 days, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने फायर फाइटर जो थी हर्षिनी उनके ऊपर है ना, ऐसे कई सारी कहानियां, नीना गुप्ता और जो है वो इसके अंदर एक्टर होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि यूनियन गवर्नमेंट जो है अपने आजादी के अमृत महोत्सव के लिए कौन से OTT प्लेटफॉर्म के साथ में मिलकर काम कर रही है, तो आपको नेटफ्लिक्स यहां पे ध्यान रखना है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है जो कि पेज नंबर 15। यहां पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे यूएस को लेकर, यूएस होस्ट वेपन्स समिट। तो नाम आपने शायद पहली बार ही सुना होगा वेपन्स समिट का। तो देखिए टॉप यूएस के जो ऑफिशियल है उन्होंने एक इमरजेंसी टॉक है जो कि अपने अलायंस के साथ में करी है, जैसे कि है ना कहां पर, जर्मनी के अंदर। तो ये जर्मनी के अंदर ये इवेंट है जो कि कराया गया, इसको होस्ट जो है वो टॉप यूएस का ऑफिशियल ने किया है ना ट्यूजडे को, जिसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, यूक्रेनी सबसे बड़ा मुद्दा था कि कैसे उसको और हथियार है जो कि दे सकते हैं ताकि रशिया का जो असॉल्ट है उसको रोका जा सके, समझ गए। तो यूएन के जो चीफ है ओके, वो भी मॉस्को गए हुए थे तो ताकि जो एस्केलेशन हो रहा है उसको रोका जा सके। तो 40 कंट्रीज की यहाँ पे मीटिंग हुई है एक्चुअली के अंदर, है ना। रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे उन्होंने भी सर्गे जो है उन्होंने भी अक्यूज किया यूक्रेन को कि बोला ये सब लोग नाटक कर रहे हैं, ये लोग तो खुद ही जो है काफी हथियार लेके बैठे हुए हैं, ये लोग आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो भी अक्यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर आप सभी को मालूम है कि यूक्रेन जो है यहाँ पे सबसे बड़ा बेचारा एक गुड़ है जो कि पिसा हुआ मिला, बीच में फंस गया है वेस्ट और रशिया के बीच में जो है यूक्रेन बेचारा फंस गया है ना, और अब जो है वो काफी स्ट्रगल कर रहा है, लड़ रहा है, हालांकि हथियार पैसे उसको काफी मिल रहे हैं, हेल्प उसको मिल रही है, लेकिन डायरेक्टली एंड ऑफ द डे उनके खुद के सिटीजन है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं, है ना। चलिए तो ये सीज फायर और ये सब जो है वो अभी तक हुई नहीं है, और यहाँ पर रशिया को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला है। रशिया को इतनी उम्मीद थी नहीं कि इतने टाइम तक जो है यूक्रेन, मतलब एक छोटा सा कंट्री जो है वो इतने टाइम तक जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, और वो भी विदाउट एक नाटो का सैनिक यहाँ पे नहीं है, अमेरिका का एक भी सैनिक नहीं है, सिर्फ हथियार और पैसों के दम पे यूक्रेन इतने टाइम तक लड़ सकता है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। बहुत ही ट्रिमेंडियस एक फाइट है जो कि यूक्रेन ने दिखाई अगेंस्ट रशिया, वरना ऐसा लग रहा था
कि रशिया तो अभी दो चार पांच दिन के अंदर ही इन्वेट करके आगे खत्म करके जेलेंस्की को पकड़ के है ना प्रेसिडेंट बदल देगा, लेकिन काफी टाइम ऑलरेडी निकल चुका है। ओके, 8 वीक के अंदर यानी कि 2 महीने के आसपास है जो कि वॉर को स्टार्ट हुए हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है जेलेंस्की से लेकर हर कोई जो है वहां पे लड़ रहा है। चलो ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, इसके अलावा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। $700 मिलियन जो है वो यूक्रेन के वो कुछ महीनों के अंदर जो है मिलने के लिए पैसे हैं जो कि यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और रशिया ने तो वर्ल्ड वॉर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ पे बोल रखी है। नेक्स्ट है पेज नंबर 16, यहाँ पे बात करेंगे इंडिया और चाइना को लेकर, कोल प्लांट को लेकर। देखो पूरी दुनिया के अंदर है ना कोल का यूसेज कम हुआ है, लेकिन दो ही कंट्री ऐसे हैं जो कि कोल के यूसेज को बढ़ा दिए हैं पिछले साल, जो कि है चाइना और इंडिया, जिसमें चाइना ने तो बिल्कुल ही हद मचा दी है। दुनिया का 50% जो कोल यूज हो रहा है वो चाइना के अंदर यूज हो रहा है, जबकि हम लोग बात कर रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट की, पेरिस पैक्ट की, क्लाइमेट को लेकर, लेकिन चाइना तो बिल्कुल ही हाथ से निकल चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एलन मस्क की फ्री स्पीच पिच को भी यहाँ पे दिखाया गया कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो आपको मालूम ही है ट्विटर जो है अभी एलन मस्क का होने जा रहा है और ऑलमोस्ट चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी है। अब जो है वो हो सकता है कि ट्विटर के ऊपर भी आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो देखने को मिले अपने फ्री स्पीच को मेंटेन रखने के लिए। और भी कई सारे लोग हैं जो कि जुड़ सकते हैं, हो सकता है ट्रंप वापस से आ जाए ट्विटर पे, बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे मतलब, है ना। चलिए ठीक है, इस वाले पेज के ऊपर ये वाली न्यूज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना ने जो है ग्लोबल कोल पावर को एक्सपेंशन को 2021 में लीड किया, 25,000 मेगावाट के नई प्लांट है जो कि उन्होंने सेटअप करे, जबकि हमने जो है वो 6,000 मेगावाट के प्लांट है जो कि सेटअप करे हैं। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की, ओके, जिसमें एनुअल सर्वे कोल पावर कैपेसिटी का जो है वो डेवलप्ड कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर कितना डिप्लॉयमेंट हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, समझ गए। चलिए, तो लास्ट ईयर से जो है ना पूरी दुनिया में 13% डिक्लाइन है जो कि देखने को मिला है। ठीक है, 2015 के बाद में 2020 के अंदर जो है वो थोड़ी कैपेसिटी बढ़ी थी और 457 गीगावाट है जो कि इस बार दुनिया में प्रोड्यूस हुआ है, कंपेरेटिवली उससे पिछले साल 525 गीगावाट है जो कि प्रोड्यूस हुआ था। 34 कंट्रीज ऐसे हैं है ना जिन्होंने क्या कर दिया, कट डाउन कर दिया अपने न्यू कोल प्लांट, समझ गए, 34 कंट्रीज। उससे पहले 41 कंट्रीज ने भी ऐसा किया था है ना, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इन्होंने प्लेज दी थी कि ये पूरी फंडिंग है जो कि कोल वाले प्लांट को रोक देंगे, समझ गए मेरी बात, जो ये खुद की कंट्री या दूसरे कंट्री के अंदर कर रहे हैं। तो ये काम किया जापान ने, साउथ कोरिया ने और चाइना ने, तीनों ने बोला था। लेकिन अगर जब हम लोग रिपोर्ट की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं, तो सब कुछ अलग है, क्योंकि चाइना जो है कंटिन्यू कर रहा है पूरी ग्लोबली जो है डोमेस्टिक डेवलपमेंट न्यू कोल प्लांट का। दूसरे कंट्री में तो फंडिंग को बोल दिया हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन खुद के कंट्री के अंदर चाइना ने बहुत ही ट्रिमेंडियस पैसा है जो कि इसके अंदर लगाया है। यहाँ आप देख सकते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंबाइन करके जितनी कैपेसिटी प्रोड्यूस हो रही है उतनी अकेले करने की कोशिश कर रहा है। 45,000 मेगावाट ऑफ ग्लोबल पावर कैपेसिटी जो है वो चाइना के द्वारा एड ऑन करी गई 2021 के अंदर। ठीक है, ये वाली बात है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेकंड नंबर के ऊपर भी हम लोग ही है वैसे, लेकिन हमारा इतना ज्यादा शेयर है जो है इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कोल जो है ये देखो एनर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोल का प्रोडक्शन भी काफी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है हमारे देश में भी। 55% हमारी जो एनर्जी की नीड है वो किससे पूरी होती है, कोल से पूरी होती है, समझ गए मेरी बात। इंडिजिनियस कोल हमारे यहाँ पे अवेलेबल है तो हम उसको काम में ले रहे हैं। कमर्शियली प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इंडिया के अंदर जो है वो 700% बढ़ चुका है पिछले 40 सालों के अंदर। और पर कैपिटा अगर मैं कंजप्शन की बात करूं जो कोल से, कोल को हम लोग हमारी लाइफ में एड ऑन करते हैं, तो वो 350 kg है पर ईयर, लेकिन डेवलप कंट्री से ये नंबर बहुत ही ज्यादा कम है ना, क्योंकि वो लोग तो खैर पहले ही काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं यूज करने को लेकर। हमारे यहाँ पे कोल ज्यादा यूज करने के कारण क्या हो रखे हैं, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, और अगर कोल यूज नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास में मल्टीपल सोर्सेज वैसे है, लेकिन हम उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उस स्टेज के ऊपर नहीं आए हैं जिसमें सोलार, विंड या न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग बहुत ही एक्सपोनेंशियली राइज कर सके और कोल को कंपनसेट कर सके। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूवमेंट के लिए, एनर्जी यूसेज के लिए ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब समर्स आएंगे तो समर में रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी एनर्जी की, तो इसलिए जो है वो कोल यूज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है गाइस, हालांकि अगर डेवलपमेंट जो है क्लाइमेट के दम पे वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन वही वाली बात है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करें, टॉप 5 स्टेट की बात करें तो झारखंड जो है वो नंबर 1 पर है, उड़ीसा 2nd के ऊपर है,
छत्तीसगढ़ थर्ड के ऊपर है, वेस्ट बंगाल और उसके बाद में मध्य प्रदेश। पांचों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं, है ना। कोल बनता कैसे? आपके वुड से बनता है, जो जब फॉरेस्ट खत्म हो जाता है, जल जाता है, उसके बाद कई सालों तक, हजारों सालों तक जब वहां पे प्रेशर होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, तो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वुड, वहां से कोल का प्रोडक्शन है जो कि होता है, समझ गए। जब सेडिमेंट्स के अंदर पूरी तरीके से फॉरेस्ट दब जाए, जल जाए, डिकम्पोज हो जाए हीट और प्रेशर से, है ना, और कई सेंचुरी से जो कि निकल जाती है, तब जाके आपका कोल का फॉर्मेशन है जो कि होता है। आप देख सकते हैं दो जगह पे आपको मेजरली देखने को मिलेंगे, एक तो आपके गोंडवाना रीजन के अंदर और एक आपके नॉर्थ ईस्ट इस वाले रीजन के अंदर, यहाँ पे आपको काफी सारे कोल के ठीक है रिजर्व देखने को मिलेंगे। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो कार्बन कॉन्टेंट और एक टाइम पीरियड। पेपर में जो मेजरली इंपॉर्टेंट आता है वो आपके कार्बन कॉन्टेंट आता है, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना कोल जो है वो बढ़िया होगा। याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, अब की बार लेके पीना, मेरे से पैसे मत मांगना, खुद अपने पैसे से लेके आओ और खुद अपने पैसे से पियो जो पीना है, ठीक है, जो दारू पीनी अपने पैसे से पियो, पूछो मत, है ना। तो अब की बार लेके पीना, तो अब की बार का मतलब हो गया एंथ्रेसाइड, जो कि मैक्सिमम जो है जिसके अंदर आपको कार्बन कॉन्टेंट मिलेगा, फिर है बिटुमिनस, फिर है लिग्नाइट, और लास्ट में जो है सबसे खराब क्वालिटी का जो कोल होता है जिसमें सबसे लो कार्बन होता है वो आपका 40% के आसपास, क्लोरोफिक वैल्यू भी जो है वो बहुत कम होती है, जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं कितना कार्बन कंटेंट है, ठीक है गाइस, वो आपको पीट में देखने को मिलेगा। ओके, हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू आपको एंथ्रेसाइट में 80-95% कार्बन कंटेंट है जो कि देखने को मिलता है, या आपको स्मॉल क्वांटिटीज में जम्मू एंड कश्मीर, गोंडवाना जो रीजन है हमारा, उन जगह पे आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जब कोल माइनिंग की शुरुआत करी वो ब्रिटिशर्स ने करी है, है ना, सब कुछ सामान जो है यहाँ से उठा उठा के ले जाया करते थे। तो हमारे यहाँ पे कमर्शियल कोल माइनिंग जो कवरेज है वो 220 साल से पहले हो चुका है। हमारे यहाँ पे 1774 के अंदर एक समनर और एक हेडली हिटली करके एक पर्सन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उन्होंने दामोदर वैली के अंदर रानीगंज जो कोल फील्ड है ना वहां पर काम स्टार्ट किया था। उसके बाद 100 साल तक रुक गया, उसके बाद में ज्यादा काम हुआ नहीं, लेकिन जब ट्रेन स्टार्ट हुई वापस से 1853 के अंदर डलाउजी के द्वारा करी गई, है ना, मुंबई टू थाने, उसके बाद फिर वापस से कोल की रिक्वायरमेंट बूस्ट हुई, और फिर तो पूछे मत जो उसके बाद में हुआ है काम। लोगों को लगता है ब्रिटिशर्स, कई लोगों को ऐसे लगता है जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई होती, कि ब्रिटिशर्स ने देखो कितना अच्छा काम किया, हमारे लिए रेलवे चलाई, है ना, कोई कर सकता है इतना अच्छा काम, लेकिन किसी ये पता नहीं, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं कि उन्होंने जो ट्रेन चलाई थी वो हमारे यहाँ से रिसोर्सेज एक जगह से अपने देश में ले जाने के लिए चलाई थी। क्योंकि अगर आप बेचारी बैलगाड़ी के ऊपर अगर मानो अगर आपको मध्य प्रदेश से मुंबई पोर्ट तक लेके जाना है तो बैलगाड़ी पे कितने तक टाइम लगेगा ना आपको पहुंचाने में बेचारे उस सामान को। उनका काम क्या था, उन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश से ट्रेन चलाओ मुंबई तक, सामान डालो और मुंबई से फिर पोर्ट से डाल के सीधे यूके के अंदर भेज दो डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने खुद को, खुद के रिसोर्सेज इंडिया से जल्दी भेजने के लिए रेलवे चलाई थी, समझ गए। चलिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करें, तो कल मैंने आपको बोला था कि अगर LIC के अगर IPO की पर शेयर की प्राइस अगर 1000 के आसपास आती है तो ये ठीक ठाक है, मतलब इसमें आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अब अनाउंसमेंट हो चुका है 900 से लेकर 950 के बीच में IPO की प्राइस का बैंड है जो कि रखा गया है। ओके, तो अगर आपके पास में थोड़ा कोई एक्स्ट्रा पैसा है, अडानी ग्रुप जो है वो अंबुजा सीमेंट और ACC को भी खरीदने की कोशिश कर रहा है, विप्रो जो है US की कंपनी राइजिंग उसको खरीद रहा है, तो ये सब कुछ पैक्ट है जो कि अभी रिसेंटली होने वाले हैं उनके बारे में बताया गया है। LIC अपने IPO प्राइस की बैंड जो है 900 से लेकर 950 के बीच में रखने वाला है। 60 रुपये डिस्काउंट मिलेंगे किसको, जिनके पास में LIC की पॉलिसी है। 45 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा एम्प्लॉयज को और कोई रिटेल इन्वेस्टर्स को, समझ गए। तो अगर आपके पास LIC का पॉलिसी है तो आपको 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है गाइज। तो LIC हैज फिक्स्ड द प्राइस बैंड फॉर इज IPO 900-950 रुपये के बीच में। तो अगर आपके पास में आपके इमरजेंसी के पैसे के अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट पैसा वो होता है जो कि आपके इमरजेंसी के लिए पड़े होने के अलावा होता है, है ना, पता लगा 2000 रुपये अकाउंट में पड़े और IPO में चालू कर दिया, पता लगा जरूरत पड़ गई फिर उसके बाद में, क्योंकि कई बार क्या है वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपको स्टिक रहना पड़ता है कुछ टाइम तक जब तक आपको प्रॉफिट ना मिले, और आप ये काम उसी पैसों से कर सकते हो जो कि आपके पास में एक्स्ट्रा है मनी, समझ गए। जो पढ़ाई कर रहे होंगे उनके पास तो नहीं होगा मुझे मालूम है, लेकिन कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मेरे पास 50,000 रुपये, मेरे को 1 या 2 महीने इमरजेंसी के लिए सफिशिएंट है, तो उसके अलावा जो भी है वो उसके लिए आप IPO में अप्लाई कर सकते हो। किस्मत रही तो आपको मिल जाएगा, मिल गया तो आप उसको 2-4 महीने रखोगे तो आपको प्रॉफिट दे जाएगा, नो डाउट इसके अंदर, समझ गए। लेकिन ये हमेशा उस पैसे के साथ में होना चाहिए जो कि आपका इमरजेंसी के अलावा होता है,
ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है ताकि आप लॉस के अंदर अपने शेयर वापस से नहीं बेचो। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है। 21,000 करोड़ रुपए 3.5% के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो कि यहाँ पे ऑफलोड करने वाले हैं। और फॉर पॉलिसी होल्डर्स आप देख सकते हो 2 करोड़ मिलियन शेयर है जो कि मिलने वाले हैं। एम्प्लॉयज को 1.5 मिलियन शेयर है जो कि उनके लिए रिजर्व करे गए हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि है TCS के एग्जीक्यूटिव रामानुजन जी को चेयरपर्सन है, जो कि नेस्कॉम के लिए बनाया है 2022-23 के लिए। नेस्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, 1988 में शुरुआत हुआ। सर्विस और सॉफ्टवेयर कंपनी का एक एसोसिएशन है जो कि पॉलिसी बनाते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, नोएडा में हेडक्वार्टर है। जितने भी BPO है, IT कंपनी है, वो सारे के सारे इसके मेंबर हैं। ठीक है, रेखा मैनन अभी चेयरपर्सन और देव जानी जी अभी इसके प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अभी 2800 कंपनी देश की इसमें मेंबर है। तो अब यहाँ पे चेयरपर्सन जो है वो रेखा जी नहीं है, अब वो कौन है? रामानुजन जी है। नेक्स्ट बात करते हैं, फेसबुक के जो ओनर है मेटा, वो अपना फर्स्ट फिजिकल स्टोर है जो कि ओपन करने वाले हैं, मेटावर्स। देखो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, आने वाले 5 साल के अंदर दुनिया बहुत बदल जाएगी। ठीक है, दुनिया बहुत बदल जाएगी। जैसे कि अभी मैं चश्मा लगा के घूम रहा हूं, वैसे ही हो सकता है कि आज से 5 साल बाद में लोग जो है वो ऑक्यूलस जो अपने VR के जो ग्लासेस आते हैं ना, वो पहन के घूम रहे हो और सब कुछ वर्चुअली जो है वो चलेगा दुनिया के अंदर। मतलब आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आने वाले टाइम पे जो आपके इस तरीके के वर्चुअल ग्लासेस छोटे हो गए जिसको आप पहन के जा सकते हो, तो अगर अभी मान लो आप बहुत गर्मी के अंदर कहीं पर पैदल चल रहे हो, आपने लगा दिया और आपको एकदम स्नोफॉल वाली फीलिंग आ रही है, आपने उसमें अपने लैंडस्केप को चेंज कर दिया, स्नोफॉल कर दिया, तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल रियल, क्योंकि जो VR ग्लासेस है ना वो आपको दिमाग को बिल्कुल रियल फील देते हैं। आप चाहकर भी ये नहीं मान सकते कि आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हो, तो आपको एकदम स्नोफॉल वाली फील आ रही होगी और आपको चलने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो मैंने एडवांटेज बताया, डिसएडवांटेज और भी बहुत सारे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि फिजिकली वर्ल्ड काफ़ी। तो अभी जो फेसबुक है उसने अपना नाम मेटा रखा है, तो मेटावर्स पे दुनिया आने वाली जाने वाली है। फेसबुक पे अभी आप टाइप करते हो, कुछ दिन के अंदर आप क्या करोगे, दोनों सनग्लासेस पहनेंगे और बिल्कुल आप एक दूसरे के सामने बैठे बैठे नजर आओगे, बातचीत कर रहे होंगे, कॉफ़ी पी रहे होंगे, समझ गए, इस तरीके से दुनिया आने वाली है। आपने रेडी प्लेयर वन की मूवी नहीं देखी होगी, कभी देख लेना, आपको पता लग जाएगा आने वाली दुनिया कैसे आने वाली है। रेडी प्लेयर वन ये एक मूवी है जो कि स्पीलबर्ग के द्वारा बनाई गई है, जिसके अंदर पूरा VR के ऊपर, बहुत ही खतरनाक पिक्चर है, देख लेना, पूरा VR बताया वर्चुअल रियलिटी के ऊपर कि कैसी दुनिया आज से 50-100 साल बाद में या 20-50 साल बाद में हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मेटा प्लेटफॉर्म जो है वो अपना पहला फिजिकल स्टोर बना रहा है, जहाँ पे शॉपर्स खरीदने वाले लोग ट्राई कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट को, अदर गैजेट को, जो कि कंपनी धीरे धीरे अवेलेबल करवाएगी। 1500 स्क्वायर फीट का छोटा सा ऑफिस है जो कि अभी कैलिफोर्निया से स्टार्ट किया है। धीरे धीरे जब लोग इसको यूज करेंगे तो धीरे धीरे लोगों की आदत पड़ जाएगी, फिर लोग खरीदेंगे और फिर लोग इसके, जैसे कि मोबाइल के जो है हम लोग आज के टाइम पे एक तरीके से गुलाम बन चुके हैं, वैसे इसके भी बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो कि ये देने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दोनों का मन किया चलो ठीक है यार बॉक्सिंग मैच खेलते हैं, आप पहनो मैं पहनो, दोनों जो है वो यहाँ पे रियल बॉक्सिंग करेंगे और वो बिल्कुल ऐसा लगेगा एकदम रियल के अंदर हम दोनों एक दूसरे से बॉक्सिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो, विदाउट कोई रिंग, विदाउट फिजिकल मिले बिना, बस दोनों एक जगह पे बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, चलिए, रशियंस ने जो है वो पहले मेटा प्लेटफॉर्म के ऊपर फाइन लगा दिया है, 4 मिलियन रूबल्स का फाइन है जो कि लगा दिया गया है। और कई सारी ऐसी पोस्ट थी जो कि LGBT प्रोपेगेंडा के ऊपर थी, इनके द्वारा ऐसा बोला गया है, तो ये रशियंस अलाउ करते नहीं है, तो उन्होंने फाइन ठोक दिया। आगे बात करते हैं, अडानी ग्रुप को लेकर देश की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट वैल्यूएशन की कंपनी है जो कि अडानी की दोस्तों बन चुकी है। देश के अंदर नंबर वन पे सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है देश में जिसके मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, सॉरी TCS। देश में सबसे बड़ी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का ग्रुप है ना हमारे देश के अंदर, ओके, वो है TCS है। TCS की अगर मैं बात करूं, टाटा ग्रुप है, मतलब TCS नहीं बोलोगे, TCS तो एक कंपनी है, आप टाटा ग्रुप ज्यादा बेटर है, क्योंकि टाटा ग्रुप की सारी कंपनियां मिलाकर आज के टाइम पे 22 ट्रिलियन रुपए की जो है इसकी मार्केट वैल्यूएशन है। सेकंड नंबर पे बात करूं वो है आपकी मुकेश अंबानी जी की RIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल ग्रुप। तो रिलायंस ग्रुप की बात करें तो ये है 19 ट्रिलियन रुपए की, समझ गए। अब तीसरे नंबर पे पहले HDFC हुआ करता था, लेकिन अभी अडानी ने HDFC को पीछे छोड़ दिया, आप देख सकते हो उसके ये ऊपर चला गया है और 17 ट्रिलियन के आसपास,
और HDFC जो है वो चौथे नंबर के ऊपर है 13 ट्रिलियन के आसपास। तो यानी कि 17 पे पहुंच गया, मुकेश अंबानी है 19 के ऊपर। तो अभी 2-3 महीने के अंदर रिलायंस ग्रुप को जो है वो अडानी ग्रुप पीछे छोड़ के देश से आगे निकल जाएगा। ऑलरेडी दुनिया के 5वें नंबर के ऊपर सबसे रिचेस्ट है जो कि बन चुके हैं, वो भी आपको मालूम ही है, कल परसों हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है गाइज, एक बार वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे। और आज और कल फिर से बता रहा हूँ, अनअकैडमी के ऊपर 20% ऑफ मिल रहा है आपको। अगर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आज या कल के अंदर सब्सक्रिप्शन ले लेना, रेफरल कोड लगा देना BHU10 BUNESH10, ओके, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं जनसत्ता की। तो कुछ खास ऐसा नहीं है, ये देख सकते हो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है बताई गई है, कुछ खास ऐसा नहीं है, सारी की सारी चीज़ें सेम है। आगे बात करते हैं ओल्गा टैलिस केस को लेकर। देखिए ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो कि 1985 का है, ये आज मतलब 35 साल पुराना केस है नियर बाय, और बहुत बड़ा एक माइलस्टोन जजमेंट है जो कि इसको माना जाता है ओल्गा केस को। आपने देखा होगा कि शहर के अंदर बहुत जगह पे लोग फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, है ना, और जो झुग्गी झोपड़ियां हैं जो कि शहर के अंदर बहुत जगह पे देखने को मिलती है। अब क्या हो रहा है कि कई बार म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो होती है वो झुग्गी झोपड़ी तोड़ देती है, फुटपाथ पे लोग काम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, उन सबको निकाल देती है, है ना, ऐसे कंडीशन कई बार देखने को मिलती है। सेम केस अभी आपको जहांगीरपुरी के अंदर भी देखने को मिला, और भी बहुत सारे राज्यों के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस चलते रहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली के अंदर मैटर क्या है कि जो रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि 1985 का केस है, इसके अंदर ये बोल दिया, ये जजमेंट सुनाया कि जो पेवमेंट ड्वेलर्स है, जो ये रोड के ऊपर रहते हैं, रोड के ऊपर काम करते हैं, अपना गुजारा पानी करते हैं, ये लोग ट्रेसपास करने वाले लोगों से अलग है। यानी कि ये लोग जो होते हैं ना ट्रेसपास करने वाले, ये वो लोग होते हैं जो कि जबरदस्ती किसी को एनक्रोचमेंट कर रहे होते हैं और वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो उनको करने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन यहां पे जो बात करी गई है पेमेंट ड्वेलर्स की, इनकी मजबूरी है कि इनके पास में कोई ऑप्शन है नहीं, समझ गए, जिसके वजह से उनको किसी भी रोड के ऊपर सोना पड़ रहा होता है। ना तो वो कोई क्राइम कर रहे होते हैं, ना वो कोई ट्रेसपास कर रहे होते हैं, ना वो कोई वहां पे किसी को परेशान कर रहे होते हैं। ठीक है, बैगिंग की बात अलग है, जो बैगिंग वो खैर अलग सिनेरियो है जो बैगिंग करते हैं रोड के ऊपर, लेकिन सोना रहना दैट्स अ डिफरेंट केस। तो यहाँ पे उन्होंने यही जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया कि जो ट्रेसपास करने वाले लोग हैं, आप उनको तो आप बुलडोजर या इन तरीके से जो भी ट्रीट कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो फिर भी कहीं ना कहीं वैलिडेट हो सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से ये जो पेमेंट के रोड के ऊपर रहने वाले लोग हैं, जो कि जो बस्ती के लोग हैं, इनको जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। अब ये जो जजमेंट है ना, वो डायरेक्टली क्या होगा, इस वाले मैटर को जो है वो काफ़ी चेंज करेगा, जो कि जहांगीरपुरी के अंदर दिल्ली में अभी रिसेंटली देखने को मिला है। तो ये केस जो है वो पहली बार 1981 के अंदर स्टार्ट हुआ था, जब महाराष्ट्र और BMC ने कई सारे ऐसे पेमेंट ऑन स्लम के ड्वेलर्स को मुंबई सिटी से निकाल के उनको शहर के आसपास जो है वो डिपो करने के लिए बोला था, आउटसाइड द सिटी ऑफ बॉम्बे जो है वो डिप उनको करने को बोला था। अब यहाँ पे सीधे सीधे बात आती है किसकी, आर्टिकल 21 की, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, कि आप किसी को लाइफ में जीने से जो है वो रोक रहे हो, क्योंकि अगर आप शहर से निकाल दोगे तो उसको काम नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, आपने शहर से दूर निकाल के उसको रहने को दे दिया, तो अगर आप वहाँ पे शहर के 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर उसको कुछ काम तो नहीं मिलेगा ना, उसको मजदूरी मिलेगी नहीं वहाँ पे, कोई काम नहीं मिलेगा उसको वहाँ पे, तो फिर वो जी नहीं पाएगा। तो आर्टिकल 21 जो है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो हमारे देश में ऐसे 2 करोड़ के आसपास लोग हैं जो कि बेचारे जो है रोड के ऊपर इस तरीके से रहते हैं, सोते हैं। ठीक है, अब ये वाला केस था, तो इसी के अंदर इविक्शन जो था, लोगों को जो निकाला गया था उसको अनरीजनेबल फोर्स यूज करके, है ना, उनको गलत बताया गया था, और एटलीस्ट ये बोला गया था उनको एक बार चांस दो एक्सप्लेन करने के लिए, एटलीस्ट उनको पहले आप नोटिस दो, नोटिस के बाद एक बार एक समझाने के लिए चांस तो दो कि वो वहां पे कैसे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। ओके, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो कि यहाँ पे बताया गया कि किसी को आप राइट ही नहीं दे रहे बोलने का भी, समझाने का भी, तो राइट टू लाइवलीहुड जो है यहाँ पे उसका वायलेशन हो रहा है। ठीक है गाइस, चलिए, तो और कोर्ट ने जो सरकार का कहना था कि ये सारे के सारे ट्रेसपासर्स हैं, है ना, उनके इस चीज को जो है ऑब्जेक्शन किया है इसके ऊपर। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऑफ एस्टापोल, क्वेश्चन ऑफ एस्टापेल। तो एस्टापेल क्या है, ये तब होता है जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव, है ना, किसी भी पेमेंट ड्वेलर्स को
रोकने की कोशिश करती है वहां पे रहने को लेकर। तो ये क्या है कि एस्टोपेल एक जुडिशियल डिवाइस होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी काम को करने से रोक सकते हो। आप जब आइडिया लगाते हो ना कि ऐसे ये लोग ऐसा कर रहे हैं विदाउट कोई एविडेंसेस, तो उसको रोकने के लिए जुडिशियल डिवाइस होता है जिसको नॉर्मली एक वर्ड है मतलब कुल मिला के, है ना, जिसको हम लोग एस्टोपेल है जो कि कहते हैं, जिससे अदालत किसी भी व्यक्ति को दावा करने से रोक सकती है या फिर उसको स्टॉप कर सकती है। समझ गए? तो ये एक वर्ड है जो कि एस्टोपेल है, जो कि जुडिशरी में काम में लिया जाता है। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था सरकार के आर्गुमेंट कि यहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है तो कोर्ट भी जो है इस चीज को नहीं रोक सकता। कोर्ट ने कहा यहां पे बात हो रही है राइट टू लाइवलीहुड की, तो हम इसके ऊपर सवाल है जो कि उठा सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा केस है। अगर आपको मेंस में लिखना है इस वाले मुद्दे के ऊपर, ये एक सवाल बनेगा 101% PCS और UPSC में इस मुद्दे के ऊपर सवाल बनेगा ही बनेगा, है ना, जो रोड के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। लोग विटनेस कर नहीं रहे, गवर्नमेंट विटनेस कर नहीं रही है, ठीक है। जैसे कि वैसे अगर मैं वेलफेयर स्टेट की बात करूँ तो उसमें होना क्या चाहिए कि डेफिनेटली अगर कोई जुग्गर झोपड़ी है शहर के बीच में या फिर लोग रोड के ऊपर सो रहे हैं, तो सरकार का ये बनता है एज ए वेलफेयर स्टेट कि यार इतना सारा टैक्सेस का पैसा क्यों देते हैं, है ना, इसलिए तो देते हैं कि उनको सही जगह पे काम मिले। तो ये हो सकता है कि उनको आप शहर के आसपास किसी जगह पे रिलोकेट कर दो और वहां पर आप कोई ना कोई ऐसी योजना चलाओ जिससे उन सबको वहां पे काम करने का, यानी कि लेबर का या फिर यहाँ पे जो काम होते हैं ना छोटे मोटे जो स्किल के काम होते हैं वो सब काम उनको वहां पे मिल जाए ताकि वो वहां पे सेटल हो जाए। जैसे जो जहांगीरपुरी है ये एरिया भी इसी तरीके से बसाया गया था, समझ गए, जब 1980 के टाइम पे, 80 के बाद में 90 के टाइम पे जो जहांगीरपुरी उस टाइम पे ये कोई सिटी नहीं हुआ करती थी दिल्ली की, ये एक बहुत ही दूर का एक गांव का टाइप का एरिया हुआ करता था जो कि काफ़ी सारे लोग जो बाहर से आए हुए थे माइग्रेंट थे उन सब ने मिलकर जो है वो एक तरीके से बसाया था उसको। उनको वहाँ पे बिजली पानी कुछ नहीं था, धीरे धीरे उन्होंने धीरे धीरे करते करते इस एरिया को बसा लिया। अब जब वो एरिया बस गया तो वापस से अगर आप आके उनको निकाल के फेंकोगे तो उनको फिर वापस कहाँ जाओगे वो। तो ये ज़रूरी है कि उनको वहाँ पे लाइवलीहुड जो है वो प्रॉपर प्लान करके जो है वहाँ पे उनको सिटी या एरिया है जो कि दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से। चलिए ठीक है, ऑल राइट। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है ग्रेच्युटी फॉर द आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बोला है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनको भी ग्रेच्युटी है जो कि मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको मालूम है आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो हमारे देश की एक तरीके से बैकबोन माने जाते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। घर घर जाके वैक्सीनेशन, बच्चे की प्रेगनेंसी का ध्यान रखना, उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज में जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर आगे आके हमेशा काम करते हैं। तो ये जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि इनको भी जो है ग्रेच्युटी आफ्टर रिटायरमेंट है जो कि मिले, समझ गए, ठीक है। एंटाइटल टू ग्रेच्युटी है बेसिक सोशल सिक्योरिटी मेजर, एक बेसिक सोशल सिक्योरिटी मेजर है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है जिसके तहत क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को अगर बहुत सालों तक कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर इतने साल तक लॉयल रहने को लेकर बाद की लाइफ के लिए एक सोशल सिक्योरिटी मेजर देता है ग्रेच्युटी अमाउंट। जैसे कि अगर आपके पापा सरकारी जॉब से रिटायर होंगे तो उनको 10-20-30 लाख रुपए मिलेंगे, तो ग्रेच्युटी अमाउंट है, पहले पेंशन थी अभी ग्रेच्युटी है, तो एक साथ पैसा मिलता है ना कई सारा, या फिर आपको पेंशन के तौर पर मिलता है, वो आपके ऊपर है, आप चाहो तो उसको पेंशन में करवा लो या एक साथ पैसा ले लो, वो आपके ऊपर होता है, ठीक है, वो वाली बात है। तो कई सारी इनकी इतनी लंबी सर्विस होती है तो इसलिए जरूरी है कि इनको भी ये सुविधा है जो कि मिल सके। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई थी, उसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, ओके, गांव के अंदर मैटरनल हेल्थ केयर के अंदर 1975 के अंदर जो है इसकी शुरुआत करी गई थी ताकि चाइल्ड हंगर और माल न्यूट्रिशन की समस्या को दूर कर सके। आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो 15 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो संभाले हुए देश के अंदर, तो ये फ्यूचर है हमारी कंट्री का, है ना। तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर यही लोग हैं जो कि काम करते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक 2013 के अंडर है जो कि इसको माना जाता है। ग्रेच्युटी एक बेनिफिट है जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक 1972 के तहत पेबल है। फाइनेंशियल कंपोनेंट है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अवेलेबल करवाता है जब कई सालों तक उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है गाइस। उसकी सैलरी में से भी थोड़ा बहुत पार्ट होता है, थोड़ा बहुत मिलाया जाता है, जैसे PF होता है ना उसी तरीके से एक बेनिफिट प्लान है जो कि बनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग mRNA COVID-19 वैक्सीन। रिसेंटली क्या हुआ है कि कैलिफोर्निया बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने ARCT-154 करके एक और वैक्सीन है जो कि बनाई है COVID-19 इन्फेक्शन को लेकर। सेल्फ एम्प्लीफाइंग mRNA वैक्सीन है, 95% प्रोटेक्शन है जो कि ये दे रही है सीवियर COVID-19 को लेकर और 55% COVID इन्फेक्शन को लेकर, ठीक है। काम करने का तरीका थोड़ा उसी तरीके से है जैसे कि आपकी फाइजर
है ना, मॉडर्ना, ये सारी के सारी कंपनीज है जो कि कर रही है, ठीक है, कुछ खास और इसके अंदर नहीं है। आईटी रूल 2021 के बारे में बात करें तो रिसेंटली आईएनबी मिनिस्ट्री ने 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है, जो इसमें से 6 पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। प्रीवियसली 78 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया था जिसमें 18 इंडिया के थे, इनको बैन किया गया है क्योंकि ये लोग काफ़ी फॉल्स और अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है जो कि फैला रहे थे, जिससे पब्लिक के अंदर पैनिक, कम्युनियल डिसहार्मनी और डिस्टर्बेंस है जो कि पब्लिक ऑर्डर में होने के चांसेस थे या फिर हो रहा था कहीं ना कहीं, समझ गए। देखो जैसा कंटेंट आप देखते हो आप वैसे बन जाते हो, एक बहुत ही बेसिक सी बात है जो कि शायद ही मतलब किसी जनता को समझ में आएगी, क्योंकि जनता तो एंड ऑफ द डे जनता है। जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हो आप वैसे बन जाते हो। हमेशा कोशिश करो कि जो आप कंटेंट देखते हो, जो आप इनकल्केट करते हो, वो अच्छा कंटेंट हो, वेरीफाइड हो, अच्छे लोगों के द्वारा बनाया गया हो, समझ गए। कई लोग आप ये चीज़ अपने आप में एनालिसिस करना, आपने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो खोला जो कि कोई हेट्रेड का वीडियो था या कोई भी मान लीजिए क्या वॉर का वीडियो है, वॉर है, युद्ध का कोई वीडियो है, इंडिया पाकिस्तान वीडियो है कोई, अज्यूम करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा चलते हैं हमारे देश में, इंडिया पाकिस्तान करो चलता रहेगा सब कुछ बढ़िया, ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान का वीडियो है। आप एक वीडियो खोल लो, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है या कोई भी सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि वो आपको इससे रिलेटेड वीडियोज आपको देता रहेगा। आप क्या करोगे, आप तो एकदम ठीक है, आप तो आपको ये आइडिया ही नहीं है कि कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप क्या करोगे देखते जाओगे, इसको भी देखते जाओगे, इसको भी देखते जाओगे, धीरे धीरे आपका माइंड जो है ना वो इसी तरीके से बिल्डअप हो जाएगा, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका जो परसेप्शन है वो इसी वाले मोटिव के ऊपर बदल जाएगा, समझ गए। उसी तरफ आप दूसरी तरफ आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो जो कि है हैप्पीनेस के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, है ना, बेटर लाइफस्टाइल के ऊपर, करियर के ऊपर, तो यकीन मानिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्या करेगी, एड ऑन करेगी, आप सीखोगे बहुत सारी चीज़ें, आप बेटर प्रोग्रेस के ऊपर जाओगे, है ना, आपका ना तो दिमाग ख़राब होगा, ना आप गुस्से में रहोगे, ना आप परेशान रहोगे, है ना। जब ऐसा कंटेंट जब ये न्यूज़, मेरे को तो लगता है इसके अंदर सारे के सारे जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ना उनको भी इंक्लूड कर देना चाहिए, बिकॉज दे आर द फर्स्ट सोर्स जो कि हेट्रेड, कम्युनियल हेट्रेड, फेक इन्फॉर्मेशन, अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है जो कि फैलाते हैं, तो उनके, लेकिन वही है कि अब उनके काफ़ी हायर अथॉरिटीज़ के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन होते हैं तो वो चल जाते हैं, बाकी सारे ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि रूल 18 है हमारा, आईटी रूल 2021, उसके तहत क्या ये एक्शन है जो कि लिया गया है, है ना। अभी रिसेंटली और भी कई सारे ऐसे चेंजेस है जो कि आईटी रूल्स में करे गए हैं, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है जो कि बनाने के लिए बोला गया है कि जो डिजिटल पोर्टल है, जो ओटीटीज हैं, वो एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम का पार्ट है जो कि बनेंगे, नेसेसरी है हर एक सोशल मीडिया को कि वे एक मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पे सेटअप करें, एक कंप्लायंसेस ऑफिसर सेटअप करें, 24/7 हेल्पलाइन है जो कि सेटअप करें। ओके, ये देख सकते हो कोई भी अनलॉफुल कंटेंट है ना, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसको हटा सके, आइडेंटिफाई कर सके फर्स्ट ओरिजिन सोर्स क्या है सोशल मीडिया के ऊपर, किसने फेक इन्फॉर्मेशन भेजी है। स्ट्रिक्ट रूल आए बिगर प्लेटफॉर्म के ऊपर, है ना, वॉलंटरीली यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को लेकर, इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन हो कंटेंट का, कोड ऑफ एथिक्स का ध्यान रखें, थ्री टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, है ना, इन सबको जो है वो मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर फाइन लगेगा, और बाद में अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं उनको खुद को लायबल माना जाएगा उस कॉन्टेंट को देने को लेकर, समझ गए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। आगे बात करते हैं PIL अगेंस्ट द लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर टू गोवा प्रताप सिंह राणे। देखो प्रताप सिंह राणे जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाई ना, ये ऐसे MLA हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो पॉलिटिक्स को दे दी है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के हैं वैसे तो ये प्रताप सिंह राणे, 50 साल एज ए MLA जो है रह चुके हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वहां पे उन्होंने क्या किया है कि इनके इतने लंबे जो इन्होंने सर्विस दी है एज ए MLA, 50 साल से ज्यादा होना बहुत बड़ी बात है यार, आप सोचिए, तो इनको लाइफ टाइम स्टेटस जो है ये दे रहे हैं किसका, कैबिनेट मिनिस्टर का लाइफ टाइम स्टेटस, जब तक जिंदा रहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, चाहे जीते आ रहे हैं उससे मैटर नहीं है। तो प्रताप सिंह राणे जो है वो 6 बार तो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गोवा के, और 50 साल से भी ज़्यादा लेजिस्लेटर है जो कि रह चुके हैं, ये देखिए इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, गोवा के अंदर 40 विधानसभा है, 40 MLA है, और आपको मालूम ही है कि आपका जो कैबिनेट होता है वो उसमें 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जो आपके लिमिट है उससे 15% ज़्यादा नहीं बन सकते, तो 40 का अगर आप देखोगे तो 12 ही मैक्सिमम कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, और 12 ऑलरेडी बने हुए हैं, तो अगर इनको भी, राणे को भी इंक्लूड कर दिया जाए
तो टोटल 13 हो गए। अगर 13 हो गए हैं तो यानी कि आपका 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि आर्टिकल 164 को डिफाइन करता है, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से ज्यादा आपके टोटल नंबर ऑफ एमएलए को एग्जिट नहीं करेगी, और यहाँ पे 12 की बजाय 13 हो रहे हैं, तो ये एक इश्यू हो चुका है। तो या तो आप 12 की बजाय 11 बनाओ, एक कैबिनेट मिनिस्टर पहले हटाओ उसके बाद इनको डालो, लेकिन ऑलरेडी पूरे के पूरे 12 बना रखे हैं। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम रिपोर्ट 2022। तो रिसेंटली दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैप है जो कि यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, जहां पे दुनिया में कहां कहां पे कितना रिलीजन हेट्रेट बढ़ा हुआ है उसके बारे में बताया है, जिसके अंदर रशिया, चाइना, इंडिया, हमारे आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूडेड है। चलिए तो यहाँ पे रिसेंटली कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, जिसको बोलते हैं USCIRF, इन्होंने रिकमेंड किया है सेकेंड ईयर के अंदर लगातार भारत को एज ए ऑन ए लिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में वो कंट्रीज आते हैं जहां पे काफी ज्यादा रिलीजन का जो है ना फ्रीडम है वो जहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे काफी प्रॉब्लम्स है। तो वर्स्ट वायलेशन है जो कि रिलीजन फ्रीडम की 2021 में देखने को मिली, इससे पहले 20 के अंदर भी इन्होंने इंडिया को जो है इस वाली कैटेगरी के अंदर डाला था, क्योंकि काफी ह्यूमन फाइट्स की रिपोर्ट्स है जो कि 2021 में देखने को मिली। ये ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट यूएस फेडरल गवर्नमेंट का कमीशन है जो कि दुनिया के अंदर यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ के ऊपर काम करता है। एडवाइजरी ग्रुप है यूएस कांग्रेस का, 2022 के एनुअल रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी है, जिसमें इन्होंने बताया है ना कि कौन से कंट्री के अंदर कितना, कौन से कंट्रीज पर्टिकुलर कंसर्न वाले हैं, कौन से कंट्रीज देखने वाले हैं। इसका वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। दो कैटेगरी में डालते हैं, एक तो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न और एक स्पेशल वॉच लिस्ट। स्पेशल वॉच लिस्ट में वो कंट्रीज है जो कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी वहां पे रिलीजन का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन हो रहा है, लेकिन कंसर्न वाले के अंदर तो डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पा रही है, गवर्नमेंट मतलब का इस चीज को लेकर कोई मेजर जो है वो कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। ये एक डेजिग्नेशन किया जाता है जहां पर सवियर वायलेशन है जो कि रिलीजन फ्रीडम का देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, और क्या ये इनकी बात सही है क्या, ये भी बात जरूरी है क्योंकि यूएस का कंट्री है, इंडिया के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये कितना वेरीफाइड और कितने सही बोल रहे हैं उसको लेकर भी एक सवाल है जो कि उठता है। लेकिन इसको जो जस्टिफाई करता है इनके स्टेटमेंट को, वो करते हैं हमारा गवर्नमेंट खुद है जो कि जस्टिफाई करती है, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम अफेयर्स ने जो है लोकसभा के अंदर रिवील किया डाटा, जिसमें बताया कि पिछले 2016 से लेकर 2020 तक पिछले 5-6 सालों के अंदर है ना नियर बाय 3.25 लाख केसेस हैं जो कि दंगे फसाद के देश में रजिस्टर हुए, और उसमें से 3300 केसेस तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनियल या फिर रिलीजन राइट्स थे। 3300 से ज़्यादा कम्युनियल या रिलीजन राइट्स एक देश में 5 साल के अंदर हो रहे हैं, तो फिर ये उनका जो डाटा है मतलब वो काफ़ी वेरीफाइड है जो कि हो चुका है। इनफैक्ट 2020 में लॉकडाउन के अंदर भी जो है वो वायलेंस जो है वो रिलीजन राइट्स से जो कि इंक्रीज होते हुए नजर आए, आपने देखा ही था कि कोविड के टाइम पे भी लोग जो है मुद्दे में उलझे हुए थे इन सब के अंदर। और हमें डेजिग्नेट किया गया है किसके साथ में, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम के साथ में, ठीक है। और भी कंट्रीज को ये लोग उन्होंने वापस से डाला है, जैसे कि म्यांमार, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी, इन तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, इन सब कंट्रीज को इसके अंदर इंक्लूड है जो कि किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा है ना रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्रिटिकल वॉइसेस को दबा रही है, कम्युनिटी और इंडिविजुअल की रिपोर्टिंग को रोक रही है, जैसे कि एक कश्मीर के रिपोर्टर के बारे में बताया गया है, स्टैन स्वामी जो थे उनको UAP लगा के जेल में डेथ हो गई उसके बारे में बताया गया है, इस तरीके की चीज़ें। हमारे यहाँ पे जो हम लोग आर्टिकल डिफाइन करते हैं वो आर्टिकल 25 से 28 डिफाइन करते हैं जो कि हमारे इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, किसको लेकर, फ्रीडम ऑफ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर। तो 25वां ये है कि आप फ्री है, आपको कि आप फ्रीली प्रोफेस कर सकते हो, किसी भी प्रोफेशन अपना सकते हो, कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो, है ना, बता भी सकते हो किसी को अपने रिलीजन के बारे में। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर, आपको फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन अफेयर को मैनेज कर सकते हो। 27 ये बोलता है कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ओके, आप कोई भी पर्टिकुलर सरकार किसी एक रिलीजन को क्या नहीं करेगी, एक तो फंड नहीं करेगी पहली बात तो, ठीक है, और प्रमोशन को लेकर फ्रीडम हैज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है। आप किसी को टैक्सेस लगाओगे किसी भी प्रमोशन को लेकर, जो पहले हुआ करता था जजिया वजिया होता था, उन सबको नहीं लगा सकते उस तरीके से। फ्रीडम हैज टू अटेंडेंस, आप किसी भी रिलीजन इवेंट के अंदर है ना वो प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं कर सकते, ठीक है गाइज। चलिए, और कुछ एक अलग से डिफाइन कर रखें लॉस के हिसाब से, है ना, जहाँ पे आप पढ़ा सकते हो लेकिन उसको प्रोपोगेट सभी को
करने के लिए मैंडेटरी नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं यूरोपियन यूनियन डिजिटल सर्विस एक्ट को लेकर। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन यूनियन ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाई है। क्यों बनाई है? ताकि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेजॉन, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, टेक कंपनी, ये अपनी मनमर्जी नहीं कर सके यूरोप के अंदर एटलीस्ट। तो इन्होंने एक नई ग्रुप बनाया, नया एक डिजिटल सर्विस एक्ट है जो कि पास किया है, जिसके अंदर ये लोग बिग इंटरनेट कंपनीज को डिस इन्फॉर्मेशन, इलीगल और हार्मफुल कॉन्टेंट के खिलाफ है जो कि लायबल बनाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इंटरनेट यूजर्स को, ठीक है, और उनके फंडामेंटल राइट्स को। अभी क्या होता है, अमेजोन ने क्या करता है कि अमेजोन के ऊपर लोग अपलोड करते हैं अपना सामान, अमेजोन देखता है कि अच्छा कौन सा सामान बिक रहा है, फिर खुद ही उस सामान को बेचने लग जाता है ना, फिर बाकी लोगों की सेल कम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे ये लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो ईयू कमीशन के अंदर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि डीएसए एक ऐसे कॉमन रूल सेटअप करेगी इन सारी कंपनीज के लिए जो कि अकाउंटेबल होंगे सिंगल मार्केट में काम करने को लेकर। हायर प्रोटेक्शन है जो कि ईयू के यूजर्स को अवेलेबल होगी इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री। समझ गए? चलिए ठीक है, ये वाली बात करी गई है। इन्हेंस्ड होगा सुपरविजन एनफोर्समेंट, और अगर ऐसा करा इन्होंने तो 6% कंपनी का टोटल एनुअल टर्नओवर का पेनल्टी है जो कि इनको देनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा कि कोई भी कंटेंट है जो कि गलत है उसको फास्ट रिमूवल है, ड्यूटी इम्पोज है, ड्यूटी ऑफ केयर। अमेजोन और ऐसे मार्केट प्लेयर को क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी ऑफ केयर, अपने जो सेलर्स है उनका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए डाटा इनको अवेलेबल करवाना पड़ेगा, और मिसलीडिंग, ऐसे कई सारे आते हैं ना अमेजोन के ऊपर, ये शॉपिंग करो, क्लिक करो इसके ऊपर, फिर अमेजोन के ऊपर पहुंचेगा तो वो ऑफर ही कुछ दूसरा मिलेगा, ऐसे बहुत सारे फेक ट्रिक्स है जो कि अपनाई जाती है, तो उन सबको भी रोकने को लेकर ऐसा किया जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें, इंडिया बिकेम द ओनली कंट्री अमॉन्ग टॉप 10 स्टिल ग्रोथ। तो स्टिल ग्रोथ के अंदर जो है हमारी एकमात्र कंट्री जिसने ग्रोथ करी है। फॉर्मूला वन के इमिलिया ग्रैंड प्रिक 2022 जो है वो रेड बुल के मैक्स के द्वारा इसको जीत लिया गया, ठीक है गाइस। तो अभी कहाँ पे, नीदरलैंड के प्लेयर है, वैसे रेडबुल के प्लेयर है वेस्टपेन। तो इन्होंने ये टूर्नामेंट है जो कि इटली के अंदर ग्रैंड प्रिक्स है जो कि करवाया गया है। नेक्स्ट ईयर यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 की जो है वो मैक्सिको की सिटी है ना, ग्वाडालाजारा, उसको जो है बताया है। इस लास्ट ईयर कौन सी थी, मेरे ख्याल से तब जॉर्जिया की थी 2021 की, है ना, इस बार जो है वो मैक्सिको की है। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको कैनेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने फर्स्ट एवर अवार्ड जो है जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल का करेज अवार्ड 2022 5 इंडिविजुअल को दिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ज़ेलेंस्की है, एक ये चैनी करके है, बेंसन है, रुस्टी है, और एक और है वेंड्रिया करके। तो ये 5 लोगों से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नवीन पटनायक, जिन्होंने 2 किताब रिलीज करी, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी एंड द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, ठीक है गाइस, अविनाश खेमका के द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं, आज के दिन के इतिहास में कुछ खास नहीं है। फर्स्ट यूएस सोशल सिक्योरिटी पेमेंट मोड जो है 1937 में स्टार्ट किया गया। नासा ने एक्सप्लोरर 11 जो है वो लॉन्च किया गामा रेस को स्टडी करने के लिए 61 के अंदर। वोकैबुलरीज की बात करें, थियोलॉजिकल का मतलब है जो कि थियोलॉजी को स्टडी करता है, रिलीजन स्टडी करना है ना। अलियोर का मतलब किसी को अट्रैक्ट करना। प्रूडेंट का मतलब जब आप बहुत दिमाग के साथ में कोई काम करते हैं। एग्जिजेंट का मतलब है अर्जेंट, और पंडिशियस का मतलब है जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। आज के फन फैक्ट के बारे में बात करें तो एक बहुत अच्छा फन फैक्ट है आप लोगों के लिए कि जब आप कोई अनहेल्दी फूड आपको कोई ऑफर करे तो आप 2 स्टेटमेंट कहते हो, आई डोंट एंड आई कांट। समझ गए? जब आप ये बोलते हो आई डोंट, तो उस फूड को खाने की है ना 8 times जो है चांसेस कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली जब ये आप बोलते हो आई कांट। आई डोंट के अंदर एक अडमेंसी दिखती है, एक डिटर्मिनेशन दिखता है। इस वजह से जब लोग आप बोलते हो आई डोंट तो 8 times ज्यादा चांसेस है कि आप उस खाने को नहीं खाओगे, और जब आप बोलते हो आई कांट, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, यार मैं खा ही नहीं सकता, ठीक है देख लेते हैं, ओके। तो ये बात है जो कि यहाँ पे फैक्ट में बताई गई है। अनअकैडमी के बारे में 20% ऑफ आज और कल, तो जो भी एग्जाम का प्लस कोर्स लेना है आज और कल ले लो भाई, उसके बाद में नहीं आएगा ऑफर, बाद में कई दिनों तक नहीं आएगा, कई दिन निकल जाते हैं बाद में, फिर आपका प्रिपरेशन डिले हो जाता है। तो आप इससे बढ़िया है कि अगर आपको लेना है, अगर आप किसी भी एग्जाम के, तो BHU 10 काम में लो, और 20% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। सारे टॉप एजुकेटर्स किसी भी एग्जाम के आपको अनअकैडमी में मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए आप भुवनेश 10 या BHU 10 कुछ भी काम में ले सकते हो। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है, 40+ एग्जाम में से प्लस में जाइए, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ,
और आप यहाँ पे BHU10 है जो कि लगा सकते हो। ठीक है, spanforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन भी लेकर एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हो। ठीक है गाइस, आज का पहला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी की पसंद से शादी करने के अधिकार की रक्षा करता है? बताइए, राइट टू चॉइस, ठीक है, राइट टू मैरिज अ पर्सन ऑफ वन चॉइस। भारत सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राहत पैकेज के रूप में कितनी राशि है जो कि उन्होंने आवंटित करी थी? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक बिगिन कहां से स्टार्ट हुआ था? तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे वापस से। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।